मोजों पर मसा कितनी देर तक रहता है मोजों पर मसा करने के बाद उन्हें कितनी देर तक पहनना जायज़ है मोहम्मद नुमान सिब्बी से ये जो आम मोज़े हैं ना जिनमें पानी चला जाता है इसके इस पर मसा जायज़ नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुफैन पर मसा मनकूल है और ये जो आम मोज़े हैं इन पर इनके बारे में रिवायत बहुत कमज़ोर है ज़यीफ़ है उसकी वजह से कुरान को नहीं छोड़ा जा सकता कुरान ने पाउँथ के धोने का हुक्म दिया है तो इतना मजबूत हुक्म कुरान का ऐसी कमज़ोर रिवायत की बेस पर नहीं छोड़ा जा सकता इसीलिए तमाम ने कुछ ना कुछ शर्तें लगाई लगाइए मोज़ों पर मसा के जवाब की ताकि कुरान की आयत को जब हम छोड़ रहे हैं तो मजबूत दलील की बेस पर छोड़ें इस पर खैर मैं और भी पहले भी बात कर चुका हूँ तो ये आम जो मोज़े लोग पहन रहे होते हैं जिनमें पानी आराम से चला इनको तो पहन के आप पूरा पाँव धो सकते हो आराम से तो इसलिए इन पर जायज़ नहीं बाकी जिन मौज़ों पर मसा जायज़ है जिसकी तफसील कई बार बयान की जा चुकी है तो उस पर यह है कि आपने जब वजू करके या सिर्फ पाँव धो के भी मोजे चढ़ाए हों तो जिस टाइम वज़ू टूटेगा यानी हवा खारिज होगी या हदस लाख होगा उसके बाद से लेकर चौबीस घंटे तक आपका मसा बरकरार रहेगा अगर आप इकामत की हालत में और अगर आप मुसाफिर में सफर की हालत में तो बहत्तर घंटे तक रहेगा तीन दिन तक यानी उस वक्त नहीं देखा जाएगा मोजे पहने कब है आपने बल्कि यह देखा जाएगा पांव धोने के बाद जब आपने मोजे पहने थे तो वजू टूटा कब है तो टूटने के बाद से लेकर बहत्तर घंटे तक वो मसा वाक़ी रहता है लेकिन हालत जनाबत में गुसल जब फर्ज होता है तो मसा टूट जाता है खूब समझने